सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ में गृह रक्षा सप्ताह के तहत होमगार्ड के जवानों ने निकाली एक वाहन रैली। जानकारी के मुताबिक गृह रक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर होमगार्ड के जवानों ने एक वाहन रैली गोल प्याऊ चौराहे से कुंभा नगर होमगार्ड कार्यालय तक निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम जन में यातायात नियमों का पालन करने व हेलमेट पहनने को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत होमगार्ड के जवानों द्वारा आम जन में जन जागृति के कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर के उपलक्ष में 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अलग अलग दिन अलग अलग प्रोग्राम रखे गए हैं। 1 तारीख को योगा और प्राणायाम का आयोजन था जो पुलिस लाइन ग्राउंड में रखा गया था। 2 तारीख को वृक्षारोपण और सफाई अभियान का रखा गया था जो होमगार्ड्स का आवंटित जो भूमि है उसमें वृक्षारोपण किया गया और साफ सफाई की गई। और 3 तारीख को खेल दिवस के हिसाब से फुटबॉल का मैच रखा गया था जो पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ था। आज वाहन रैली का आयोजन रखा गया है जिसके तहत यातायात के नियमों से पब्लिक को जनता को अवगत कराना था और पॉलीथीन मुक्त रखने के लिए पॉलीथीन के बारे में संदेश दिए गए थे, इसलिए आज रैली का आयोजन रखा गया है। कल रक्तदान का मतलब 5 तारीख को रक्तदान का आयोजन रखा गया है सांवरिया चिकित्सालय परिसर के अंदर और 6 दिसंबर को झंडा रोहन कार्यालय के अंदर किया जाएगा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।